नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार, रोमांचक अंदाज में मुकाबला हुआ खत्म, भारत हुआ वर्ल्ड कप से बाहर। दिखाएंगे आपको सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दरअसल दोस्तों, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। भारत की तरफ से KL राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर में वोक्स ने KL राहुल को कैच आउट करवा दिया और मात्र 9 रन के स्कोर पर भारत की पहली विकेट गिर गई। इसके बाद विराट कोहली ने पारी को संभाला और हार्दिक पांड्या के साथ साझेदारी करके भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों, भारत ने 20 ओवर्स में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 63 रनों की पारी खेली, वहीं इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। दोस्तों, 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत शानदार रही और दोनों ही ओपनरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके टीम को जीत दिला दी। कप्तान जॉस बटलर ने नाबाद 80 रन बनाए और उनके साथ एलेक्स हेल्स ने नाबाद 86 रनों की पारी खेली। दोस्तों, इंग्लैंड ने 16 ओवर में बिना विकेट खोए ही मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, इस जीत के साथ ही इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में क्वालिफाई कर गया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में क्वालिफाई कर गया था। दोस्तों, अब 13 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड का आमना सामना होगा। दोस्तों, इस मुकाबले की हार का जिम्मेदार आप किस खिलाड़ी को मानते हैं? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक फादर को सब्सक्राइब कर लीजिए।